कोलकाता में डॉक्टर से हुई दरिंदगी और मर्डर की विभत्स घटना के खिलाफ बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों में गहरा आक्रोश है। इस आक्रोश के चलते मंगलवार यानी आज से आईएमएस बीएचयू के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के चलते यूपी के पूर्वांचल और बिहार से आने वाले हजारों मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। उसके बाद जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके बाद जो भी इन्वॉल्व है, जो भी कल्प्रिट है, उनको सख्त से सख्त उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और एक रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी इस तरीके की जो ये दर्दनाक जो घटना हो रही है कोई करने की कोशिश भी ना करे। न्याय में देरी होगा तो भी तो दिक्कत है, न्याय में देरी होगा दिक्कत है, लेकिन ये जल्दी प्रॉब्लम है, बहुत समय से होती आ रही है, तो कम से कम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आने जरूरी है इसके लिए। आज सुबह से ही अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण हजारों मरीज बिना इलाज के लौट गए हैं। कई मरीजों ने मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर दिया है। दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के बाहर नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर की प्रमुख मांगे हैं कि कोलकाता रेप केस की जाँच सीबीआई द्वारा की जाए और सभी आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। हड़ताल कर रहे डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि उनकी मांग है कि अस्पतालों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाए, हर अस्पताल में गार्ड की तैनाती की जाए और सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी से लैस किया जाए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, और जब तक हमारी जो बहन थी जिसका मर्डर हो गया है, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जो इसके पीछे में कल्प्रिट है उसको प्रॉपर सजा नहीं मिल जाता, इसका स्पीडी ट्रायल नहीं होता, उसे सही मुआवजा नहीं मिल जाता, ओडा जो कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का डिमांड है, पूरे भारत भर में सारे डॉक्टर सारे हॉस्पिटल्स में नॉन इमरजेंसी सर्विसेज जो आपातकालीन सर्विसेज नहीं है उनको जो है बंद करने का कुछ मांग किया गया है। जब तक ये मांग चलेगा, जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है, हमारा स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। न्याय दो। आपको बता दें बीएचयू अस्पताल में हर दिन यूपी बिहार और झारखंड के कई जिलों से हजारों मरीज आते हैं। ऐसे में ओपीडी और अन्य सेवाओं के ठप होने के कारण मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार बीएचयू की ओपीडी में हर दिन 6000 से 7000 मरीज आते हैं। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।